हेलो फ्रेंड्स, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस सामने आने वाला है। आप सबको तो पता ही है क्रिसमस क्यों फेमस है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। मैं आज आपके साथ वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे वाला स्टोरी ही ड्राइंग करके शेयर करने वाला हूँ। और इस ड्राइंग में मैं यूज करने वाला हूँ ऑयल पेस्टल कलर का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं और ऋतुपर्णा आपके लिए हर रोज नया वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोग रॉन्ग कैनवास का और एक नया चैनल लॉन्च कर चुके हैं। उस चैनल का नाम है लिटिल स्टार्स आर्ट रूम बाय रॉन्ग कैनवास, या रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का रॉन्ग। अभी मैं ड्राइंग स्टार्ट कर दिया। अब मैं मदर मेरी का ड्राइंग फर्स्ट कर रहा हूँ। इसका बाद मैं फादर जोसेफ का ड्राइंग करूँगा, बेबी जीसस क्राइस्ट का ड्राइंग करूँगा, उसके बाद शिप और पीछे स्टेबल का ड्राइंग करूँगा। मदर मेरी का हाथ ड्राइंग कर रहा हूँ। अब बेबी जीसस का ड्राइंग कर रहा हूँ, उसका हाथ। अब नीचे सामने जो शीप है ड्राइंग में, वो ड्राइंग कर रहा हूँ। अब मैं फादर जोसेफ का ड्राइंग कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो कुछ दूसरे पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो आर्ट लाइन का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एच बी। आप चाहो तो नटराज का पेंसिल यूज़ कर सकते हो, डोम्स का पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एच बी पेंसिल ही यूज़ करो, या मैक्स टू मैक्स 2B। इससे ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ मत करो, क्योंकि ये पेंसिल ड्राॅइंग है, इसके ऊपर आप लोग कलर करोगे तो ज़्यादा डार्क करके ड्राॅइंग करना अच्छा नहीं है। अब मैं पीछे स्टेबल का ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग लगभग खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है कलर का। मैं जो कलर यूज करने वाला हूँ इस ड्राइंग में, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कलर। अब मैं मदर मेरी का फेस ड्राइंग कर रहा हूँ। ये लाइट ऑरेंज है, आई मीन कलर कर रहा हूँ। अब पेल येलो, फिर से लाइट ऑरेंज, ईश येलो, पेल येलो, नाउ ऑरेंज। अब ये स्टम्पिंग टूल से मैंने ब्लेंड कर रहा हूँ। डायमेंशन क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले फेस का कलर कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेस बाद में कलर करेंगे तो फेस डार्क हो सकता है। अभी दिखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, मगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से आप लोग दिख पाओगे पूरा डायमेंशन। अभी मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ। फिर से स्टैम्पिंग कर रहा, ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। अब ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल से मैंने फेस में जिस पोर्शन में ब्लैक है, आई मीन आईब्रो या आप आई में या आप बियर्ड में या मोस्टेच में, जहाँ पर भी हेयर में जहाँ पर भी ब्लैक है, मैं वो जगह में ब्लैक कर रहा हूँ। अब मादर मेरी का बारी है, उसकी फेस में कलर कर रहा हूँ ब्लैक से। अभी मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा वाइट, नाउ स्काई। पेल येलो, फिर से ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल। अब हेयर का कलर कर रही हूँ,
अब जो ड्रेस में जहाँ पर डायमेंशन है उसका मतलब डार्क से उसका डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। लेमन येलो, ग्रे, आई मीन ये लाइट ग्रे है। पेल येलो, ब्लेंड कर रहा हूँ मैंने कटन बाट से। ये डार्क ग्रे है अभी, ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल, जो डार्क पोर्शन है वो डार्क पोर्शन निकल के आना चाहिए ड्राइंग में, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप फिनिश करते करते जा रहा हूँ। अभी इसका हेड में जो बैंड है उसका कलर कर रहा हूँ ऑरेंज, देन डार्क ब्राउन। अब थोड़ा स्टैम्पिंग ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। डिटेल में फिनिश करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब लाइट पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ, डार्क पर्पल। जिस जगह में डार्क है उस जगह में डार्क कलर यूज़ करना है। तो इस जगह में ये ड्रेस पर्पल कलर का है, इस जगह में डार्क पोर्शन आ रहा है तो मैं डार्क पर्पल यूज़ कर रहा हूँ। मैं ब्लेंड कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। अब स्काई ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, फिर से ब्लेंड कर रहा हूं। लाइट ग्रे, हाथ में ऑरेंज कलर फर्स्ट, उसका बाद लाइट, उसके बाद पेल येलो। अब ब्लेंड कर रहा हूँ ब्राउन कलर, फिर से ब्लैक से, ब्लैक पेंसिल से मैंने हाथ का डिटेल्स थोड़ा निकल लेता हूँ पहले, ड्रेस का भी। स्टेप बाय स्टेप फिनिश करके जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग चाहो तो लास्ट में ब्लैक से भी फिनिश कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कैसे फिनिश करोगे। बहुत सारा लोगों को मैं देखता हूँ ब्लैक कलर यूज़ करना लास्ट में पसंद करता है, ये डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। बहुत सारा लोग गलती कर लेता है कि पहले ब्लैक अगर दे देगा तो ब्लैक कलर पूरा पेज में फैल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ। रोज पिंक यूज़ कर रहा हूँ फादर जोसेफ के ड्रेस में। अब नीचे पर्पल कलर, अब रेड कलर। अब ब्लेंड कर रहा हूं। आप चाहो तो ये ड्राइंग करके हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। आपके पास जो भी कलर है ऑयल पेस्टल उसी से ही प्रैक्टिस करो। नॉट नेसेसरीली हम लोग जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसको ही यूज़ करना है। इसके नज़दीक जो भी कलर आ रहा है, सपोज आपके पास वर्मिलियन है, क्रिम्सन नहीं है, तो आप लोग वर्मिलियन से भी कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कलर का होना नहीं चाहिए,
मगर आपके पास जो भी कलर है उसी ब्रांड के कलर से आप लोग कर सकते हो। अभी हाथ का कलर हो गया, आप लोग देख पा रहे हो कि ऑरेंज है, तो ऑलवेज हम लोग नहीं बताएंगे कि ऑरेंज दे रहा हो क्योंकि आप लोगों को देख के पता चल रहा है। उसी जगह पे हम लोग डिटेल में बताएंगे धीरे धीरे, जब जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, जिस जगह पे प्रॉब्लम होगा शायद आप लोगों को समझने में, उस जगह पे डिटेल्स में करेंगे। जैसे अभी हम लोग ब्लैक कर रहे हैं तो आपको देखने में देख के पता चल रहा है कि हम लोग ब्लैक कलर ही कर रहे हैं, तो बार बार ये बताने का हम लोग ज़रूरी नहीं समझते कि ब्लैक जितना बार करेंगे उतना बार ही बताएंगे ब्लैक कलर कर रहे हैं। जितना डिटेल पे आप जाओगे ये ड्राइंग दिखने में उतना अच्छा लगेगा। डिटेल में करने का यही मज़ा है। अब मैं पीछे स्काई का कलर कर रहा हूँ, अभी पीछे थोड़ा शाम का सीनरियो है, शाम का या रात का, आप जो भी बता सकते हो। तो डार्क ब्लूइश या स्काईश मैंने कलर ले लिया, थोड़ा स्काई कर रहा हूँ, उसके बाद डार्क कलर में जाएंगे। ये लाइट स्काई है, प्रूशियन ब्लू यूज कर रहा हूँ। व्हाइट कलर से मैंने ग्लो बना रहा हूँ, पीछे मेरा मून या स्टार होगा इसीलिए। अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, अब मैं डार्क पुशियन ब्लू मेरे पास है, उससे पीछे जो सिटी व्यू है उसका कर रहा हूँ। अगेन ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा व्हाइट यूज कर रहा हूँ अच्छे ग्लो देने के लिए, लिटिल व्हाइट हाथ से ब्लेंड कर रहा हूँ। अब टेबल का कलर कर रहा हूँ ऑरेंज, पेल येलो, वर्मिलियन कलर, ब्राउन, येलो ऑकर, डार्क ग्रीन, अगेन पेल येलो। अब इसके बीच से थोड़ा स्काई दिख रहा है तो वह स्काई कलर कर दिया। अब मैं स्टैंपिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो बता रहा था, आप चाहो तो लास्ट में भी ब्लैक कर सकते हो, ये डिपेंड कर रहा है ना आपके ऊपर, आप कैसे काम करोगे। आप चाहो तो लास्ट में भी ब्लैक कर सकते हो, मैंने पहले कर दिया, मेरा कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लास्ट में भी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं स्टेप बाई स्टेप करके जा रहा हूँ, आप चाहो तो पहले पूरा लाइट कलर जो है वो कर लो, ख़त्म कर लो, फिनिश हो जाएगा, उसका बाद ब्लैक कलर करो। अभी जो डार्क पोर्शन है स्टेबल का, उसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक से। अभी लंटर्न का साइड में जो ग्लो है वो कर रहा हूँ लेमन येलो से। अब मैं ऑरेंजी येलो कर रहा हूँ, अगेन ऑरेंज, अब वर्मिलियन कलर, थोड़ा ब्राउन कलर, अभी ये डार्क ब्राउन, फिर से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ।
बिगिन ब्लैक से मैंने लकड़ी का वो इफेक्ट है थोड़ा डार्क ऊपर नीचे वो डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। ये वीडियो हम लोग सिर्फ आपके लिए ही करते हैं, तो ये वीडियो में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लेमन येलो, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक से फिनिश कर रहा हूँ। कोना कोना फिनिश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा ऑरेंजिश येलो, अब नीचे शीप का कलर कर रहा हूँ लाइट ग्रे। जहाँ पर ग्रे है डार्क लग रहा है मुझे करना चाहिए उधर लाइट ग्रे कर रहा हूँ, और बाकी जगह पे वाइट छोड़ा है। आप वाइट यूज़ करके आप ब्लेंड कर सकते हो या लाइट करके भी ब्लेंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। हाथ से थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन है थोड़ा ब्राउन, पिंक, ब्लेंड कर रहा हूँ। अब पीछे ग्राउंड का कलर कर रहा हूँ, पहले येलो आकर के बाद मैंने शैप ग्रीन कलर यूज़ किया है, अगेन येलो आकर कलर यूज़ कर रहा हूँ, अगेन शैप ग्रीन। येलो आकर भी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। अब मैं जो फिश होता है ऑयल पेस्टल के साथ आता है उससे थोड़ा स्क्रैच कर रहा हूँ। वाइट एक्रिलिक कलर यूज कर रहा हूँ। पेंसिल से का आर्क ड्राइंग कर रहा हूँ शिप का। थोड़ा ग्रास फील दे रहा हूँ ब्लैक पेंसिल से, नहीं तो आप लोगों को शायद समझ भी नहीं आएगा। अभी येलो अक्कर से एक्रेलिक येलो से ने ग्रास का हाईलाइट कर रहा हूँ। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया है। अभी मैं बेबी जीसस का ऊपर जो ऑरा होता है वो कर रहा हूँ। तो मेरा कलर कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव करने का, तो चलो करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। तो गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रहा हूँ। मुझे चैनल को, इस चैनल में सब्सक्राइब चाहिए, तो अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हम लोगों से कोई पर्टिकुलर ड्राइंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे वो ड्राइंग करने का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया ड्राइंग लेके, तब तक सही सलामत रहिए, बाय बाय।